आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नगर निगम ने सरकार को कह रहा है, ये डराना धमकाना बंद करो। राज्य की सरकार मलिन के बस्तियों के मामले में बाकायदा एक ठोस नीति बनाए। अगर 16 से लेके अब तक कहीं अतिक्रमण हुआ है, कहीं एनक्रोचमेंट हुआ है, कहीं लोगों ने गलत मकानात बनाए हैं, कहीं किसी प्रकार का अतिक्रमण किया है, इसलिए जिम्मेदार कौन है? नोटिस आया है क्या? मेरे पास नहीं, यहाँ वालों के पास आया है। आपको क्या, आपको नोटिस? नहीं, नोटिस तो नहीं है। आपको नोटिस है? आपको नोटिस आया? नहीं आया सर। नोटिस है? आपका क्या घर में नोटिस? नहीं, नोटिस तो नहीं मिला। ये जो नंबर 476 नंबर, ये मेरे घर के सामने लिखा है, उसमें क्या लिखा गया है कि आपका ये हटाया जाएगा? ये पता करा, उनसे पूछा भाई क्यों निशान लग रहा है, वो कह रहे हैं नदी का सर्वे। देहरादून की मलिन बस्तियों में 2016 के बाद जो निर्माण कराए गए, ऐसे करीब 550 परिवारों को नगर निगम ने नोटिस दिया है और उन्हें हटाने के आदेश हुए हैं। खुद से अतिक्रमण हटा लिया जाए, घर तोड़ लिए जाए या फिर नगर निगम कार्रवाई करेगा। इस आदेश के बाद देहरादून के तमाम जो ऐसे लोग मलिन बस्तियों में रहते हैं वो आक्रोशित है। पिछले दिनों एक बैठक हुई देहरादून में, आज एक बड़ा कूच देहरादून में आयोजित हुआ है। नगर निगम तक जाकर अपनी बात पहुंचा रहे जो भी तमाम परिवार के लोग हैं, और इनका यही कहना है कि 2016 के बाद जब इससे पहले नगर निगम के चुनाव हो रहे थे, उस समय बीजेपी का ये वादा था कि तमाम जो लोग हैं मलिन बस्तियों के, उन्हें नियमित किया जाएगा और कोई भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन बावजूद इसके नोटिस दिए गए हैं और उन्हें हटाने की कोशिश की गई है। तो आज बड़ी संख्या में कांग्रेस की अगुवाई में ये तमाम जो मलिन बस्ती के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे और नगर निगम तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बातचीत भी करेंगे। यहाँ सूर्यकांत धस्माना जो कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। पिछले दिनों भी एक बैठक में आप मौजूद थे। धस्माना जी, कोई दिक्कत अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई क्या? एक दो दिन पहले आपने बैठक की थी, लंबे समय से आप भी संघर्ष कर रहे हैं, क्या कह रहा है नगर निगम? देखिए, नगर निगम ने सरकार को कह रहा है, ये मसला केवल नगर निगम का नहीं है, पूरे राज्य की मलिन बस्तियों का है। कांग्रेस की सरकार ने 2016 में बाकायदा कानून बना करके मलिन बस्ती के लोगों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया को शुरू किया था। आपकी सरकार 17 में आई, आपने उसको बंद कर दिया। आपने एक PIL डलवा दी, PIL के आड़ में और हाईकोर्ट की आड़ में आपने राज्य की मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी। जब कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरे और कांग्रेस के लोगों ने पूरे सड़कों पर मार्च किया, मुख्यमंत्री आवास कूच किया, तो आप ले आए अध्यादेश। अब आप उस अध्यादेश को बढ़ा रहे हैं, लोगों को डराते हैं, फिर चुनाव आता है उसको बढ़ा देते हैं, वोट ले लेते हैं, सरकार में आते हैं, नगर निगम में मेयर बनते हैं, नगर निगम में बोर्ड आपका बनता है, सरकार आपकी बनती है, लेकिन उसके बाद फिर मलिन बस्ती के लोगों को डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। ये डराना धमकाना बंद करो। राज्य की सरकार मलिन के बस्तियों के मामले में बाकायदा एक ठोस नीति बनाए, और ठोस नीति बना के कांग्रेस ने और बीजेपी ने भी जो वादा किया था मालिकाना हक देने का, उस मालिकाना हक के मामले में सरकार आगे बढ़े और लोगों को मालिकाना हक दे। मुख्यमंत्री का एक बयान अभी आया है कि जब आचार संहिता खत्म हो जाएगी 6 जून के बाद, अतिक्रमण के खिलाफ फिर वही कार्रवाई हम करेंगे। क्या आप इसको भी जोड़कर देख रहे हैं, जिस तरह से पिछले दिनों बुलडोजर चले हैं? देखिए, 2016 के बाद की आप चिन्हीकरण कर रहे हैं, 2017 से लेकर के और 2024 है, किसकी सरकार है राज्य में? अगर 16 से लेके अब तक कहीं अतिक्रमण हुआ है, कहीं एनक्रोचमेंट हुआ है, कहीं लोगों ने गलत मकानात बनाए हैं, कहीं किसी प्रकार का अतिक्रमण किया है, इसलिए जिम्मेदार कौन है? पहले तो उन तमाम अधिकारियों को सस्पेंड करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए जिनके रहते हुए अतिक्रमण हो गया। अब मकान बन जाएगा, पक्का मकान बन जाएगा, चंदर रोड नई बस्ती में 1985 के मकान पर आप निशान लगा के आ गए। तमाम बस्तियों में आप पुराने 30-30, 35-35 साल के पुराने मकानों पे आप निशान लगा के आ गए। भाई, आप एक नीति बनाइए, आप एक पूरे राज्य के अंदर एक पॉलिसी बनाइए और उसके बाद आप कोई कार्रवाई करिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन आप लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे और उसके बाद फिर वोट ले लेंगे, वोट लेने के बाद कहेंगे हम आपको मालिकाना हक देंगे, और जब आप वोट ले लेंगे जीत जाएंगे उसके बाद आप मुकर जाएंगे। ये उचित नहीं है। 40 साल पुरानी बस्तियाँ हैं, चोर खाला चले जाइए आप, मित्रों लोग चले जाइए आप शास्त्री नगर खाला चले जाइए, आप गांधीग्राम चले जाइए, 30-30, 35-35, 40-40 साल पुरानी बस्तियां हैं, उनको कैसे आप उजाड़ देंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, तो ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुँच रहे और
एक जो आक्रोश है वो भी लोगों में देखा जा रहा है। क्या नाम आपका? मुझे तौसीर अहमद कहते हैं। अच्छा, कहाँ पर घर है आपका? रीठा मंडी वार्ड नंबर 69। तो कि निशान लगा हुआ है, नोटिस आया? नहीं, वहाँ तो हमारा मलिन बस्ती नहीं है। अच्छा, हम तो वैसे कांग्रेसी होने के नाते हैं। अच्छा, क्या है इन लोगों का दर्द? दर्द ये है जी, मलिन बस्तियों को उजाड़ने की बात कर रहे हैं। गरीब कहाँ जाएंगे, कैसा करेंगे? तो गरीबों को जो है पहले जो है कनेक्शन भी दिए गए, सारा कुछ रह रहे हैं 20-20, 30-30, 40-40 साल से। अब इनका हाउस टैक्स भी जा रहा है, बिजली का बिल भी जा रहा है। जी हाँ, सब कुछ जा रहा है उनको। या तो बसने ही ना देते, और अब बसने दिया था तो उनकी औलादे हो गई, बड़े हो गए, सब कुछ वो बेचारे रह रहे हैं, रोज़गार वैसे नहीं है, महंगाई इतनी है, वो कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए ये दर्द है इनके दिल में, क्या करेंगे? आइए मैं कुछ और लोगों से भी बात करूँ। क्या नाम है आपका? नूर इलाही। नूर साहब कहाँ रहते हैं आप? चंडा रोड डालने वाला, नहीं बस। नोटिस आया है क्या? मेरे पास नहीं, यहाँ और के पास आया कि और कहीं दूसरे के पहुँचा सुना मैंने। हाँ, आपके पास नहीं है? हमारे पास नहीं है। आपको क्या, आपको नोटिस है? नहीं, नोटिस तो नहीं है, लेकिन हम रहते हैं मलिन बस्ती में रहते हैं, आगे डर तो है ही हम लोगों को। आपको आगे का डर सता रहा है कि यहाँ भी कार? बिल्कुल, जब जब अभी 25 मकान टूटे हैं, कल कल 50 टूटेंगे, फिर 101 टूटेंगे, 500 टूटेंगे, फिर हमारा भी नंबर आएगा। अच्छा। जी आपका नाम क्या है भैया? समीर। आपका क्या, घर में कोई खतरा है क्या? हाँ जी, खतरा तो है। नोटिस आया आप? अभी नहीं आया नोटिस, पंचपुरी में आ गए हैं। अच्छा, किसको नोटिस आया है यहाँ पर? आपको नोटिस है? आपको नहीं, नोटिस नहीं आया। नोटिस नहीं आया, आइए देखते हैं कोई नोटिस वाला। आपका क्या नाम है? कालीचरण है। आपको नोटिस आया? नहीं आया सर अभी तो। अभी नहीं आया? अभी नहीं आया, आने वाला है। प्रोटेस्ट सुनने में आया कि नोटिस आएंगे हमारे बस्ती में। अच्छा जी, आपका क्या नाम? राम कुमार। आपको नोटिस है? अभी नहीं आया। आपको भी नहीं? आपका नाम क्या भैया? रिहान। कहाँ रहते हो? अधोई वाला। नोटिस है आपको? नहीं। आपको नोटिस आया है? पहले आया था, तो नहीं आया। नहीं तो पहले वाले में क्या हुआ? पहले वाले में स्टे ले लिया था। स्टे ले लिया? आप कब लिया? वो तो हो गए 5-6 साल 6 साल। 5-6 साल पहले आया था। इस दफ़ा जो करीब 550 मकान आए हैं जद में, उसमें नहीं है नोटिस? उसमें अभी तो आया नहीं, अभी नंबर निशान लगा रहे हैं पीछे नदी में। आपका क्या नाम है? आप कहाँ रहते हैं? दीप लोग जवाहर कॉलोनी। आपको नोटिस है? नहीं, मुझे नोटिस नहीं है, लेकिन हमारे साथियों को नोटिस है। लेकिन उनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। हर एक मलिन बस्ती वासियों की लड़ाई हमारे साथ, हमारी सबकी अपनी लड़ाई है, तो इस जंग में सभी साथ आएंगे। सभी साथ। आपका क्या नाम? मेरा मोहम्मद फुरकान। आप कहाँ रहते हैं? मैं जवाहर कॉलोनी में रहता हूँ। आपका क्या, घर में नोटिस मिला? नहीं, नोटिस तो नहीं मिला, लेकिन देखो हम मजदूर लोग हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी की जो भी है कमाई, जो भी पूंजी है वही है, एक झोपड़ा है 2 कमरों का, आज वो टूट जाएगा। ये बताओ इतने लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? आपको भविष्य का खतरा? हाँ, भविष्य का भी खतरा है, बिल्कुल खतरा है, कल हमारा घर उजड़ेगा, है ना? हम कहाँ जाएंगे, सड़कों पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये बताइए आप। आपका क्या नाम? मोहम्मद शहजाद। आप कहाँ रहते? भगत सिंह कॉलोनी। आपको नोटिस है? हाँ जी, नोटिस सब बस्तियों में ही है, जितनी मलिन बस्तियाँ हैं सब। क्या कहा गया नोटिस? नोटिस एक्चुअली में मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये है कि निशान लग चुके हैं। हाँ जी। अच्छा, चलिए आए तो ये तमाम लोग हैं जो देहरादून के अलग अलग हिस्सों से आज यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन इसमें से अधिकांश लोग अभी तक हमें ऐसे मिले हैं जो कह रहे हैं कि नोटिस नहीं। आपका क्या नाम है साहब? मेरा मोहम्मद नवाब। नवाब साहब कहाँ रहते हैं? भगत सिंह कॉलोनी। नोटिस आया है? नोटिस आया है। क्या कहा गया नोटिस? आइए सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद इलियास अंसारी है और मैं भगत सिंह कॉलोनी से पार्षद हूँ। अच्छा, आप पार्षद हैं। क्या है नोटिस की स्थिति, कितने लोगों को मिला है? काफ़ी लोगों को मिला है, काफ़ी लोगों की जगह निशान लगा रखे हैं, और देखिए ये बस्ती जो है 1984 से बसी हुई है, 1984 से हर फैसिलिटी सरकार के द्वारा दी गई है, कांग्रेस पार्टी ने इन मलिन बस्तियों को बसाने का काम किया है, और सब लोगों के अब रक्षा का काम भी कांग्रेस पार्टी ही कर रही है। जब भी कोई सरकार की तरफ से बिल्डोजर या तोड़ने की या योजना या नोटिस आते हैं, कांग्रेस पार्टी ही खड़ी होती है, वही साथ में गरीब आदमियों की हितैषी जो है वो सिर्फ कांग्रेस। नहीं, मैं पार्षद जी ये पूछ रहा था, मैंने कुछ लोगों से, यहाँ पर कोई नोटिस वाला है आप में से जिसको नोटिस आया हो? काफी लोग कोई है महिलाएं हैं और भी हैं जो मतलब ऐसे जिसके पास नोटिस आया हो। हाँ, अरे है, मैं पूछ रहा हूँ कोई है? हाँ, तो ये बताएंगे ना आपको के नोटिस। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? बाबूराम नाम है मेरा। कब से आपका मकान बना हुआ? इस तरफ को कैमरे की तरफ। लगभग 2012 से बना है मेरा मकान।
2012 में आपने, लेकिन सरकार तो कह रही है 16 के बाद वालों को हटाया जा रहा है, क्या आपको भी इसी? ये तो मेरे घर के सामने लिखा है, ये तो मेरे घर के सामने लिखा है। अच्छा, ये जो नंबर 476 नंबर, ये मेरे घर के सामने लिखा है। तो उसमें क्या लिखा गया है कि आपका ये हटाया जाएगा? ये कुछ नहीं पता करा, उनसे पूछा भाई क्यों निशान लग रहे हैं, वो कह रहे हैं नदी का सर्वे है। अच्छा, बस इतना बताया खाली, मगर झूठ बोल रहा है वो, और आगे भी निशान लगे हैं, पीछे भी निशान लगे हैं, सब ऐसी निशान। आपने जब नगर निगम के लोगों से बात की होगी कि साहब हम तो 2012 से आए थे, हमने उनसे बात करी है। अच्छा, नगर निगम का कोई आदमी नहीं आया। चलिए, तो यहाँ तमाम जो लोग आए हैं, अब देखिए चुनाव का वक्त भी है, नगर निगम के चुनाव होने हैं, अभी तारीख तो नहीं आई है, लेकिन इस पूरे अतिक्रमण वाले मामले में जिस तरह से कांग्रेस तमाम लोगों को एकजुट कर इस समय इस लड़ाई को लड़ रही है, उसमें एक दिलचस्प पहलू ये भी देखने को आया कि यहाँ आज जो कांग्रेस भवन में बड़ी संख्या में जो लोग मलिन बस्तियों से जुटे थे, उसमें से अधिकांश लोगों तक नोटिस नहीं पहुँचे, लेकिन उनका इस बात को लेकर तर्क है कि साहब आने वाले वक्त में हमें भी खतरा हो सकता है। तो अब इस पूरे प्रकरण में क्या नगर निगम फैसला लेगा, क्या ये आवाज़ सरकार तक पहुँच पाएगी, तब जबकि अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके पास नोटिस ही नहीं है, फिर भी वो एकजुट हो रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखने आने वाले दिनों में सरकार इस आदेश को, जो कि 2016 के बाद जो मकान अलग अलग जगहों पर बने हैं, अतिक्रमण की ज़मीन पर बने, उनको गिराने का फैसला वापस लेगी, या पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से काम करते आए हैं उसी रवैये से क्या वो इस निर्णय पर भी टिके रहे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवर्त, जय भारत टीवी।